कि कालंदी के कुल बसा एक मधुपुर नगर रसाल। और कालने मिखल उग्रसेन कुल और जन्मे वो कंस भुआ। जय हो। राजा उग्रसेन के वंश में एक कंस जैसा दुराचारी का जन्म हुआ। कंस का मतलब होता है कि कस हिंसा से कंस है, यानी कि कस कसाई और हिंसा का जो काम करे उसी को कंस कहा जाता है। जिनको दया नहीं धर्म नहीं उसे कंस कहा जाता है। मानवों को चाहिए कि दया होनी चाहिए। अब कंस का वृत्ति क्या बन गया कि छोटे छोटे बच्चों को अगर देखे तो बिना मतलब का बिना फालतू का उससे झगड़ा करे, टेंशन करे। बच्चे अगर रोड पे अगर खेलने आए तो बिना मतलब का उससे मारपीट करे। ये बचपन का नियम था कंस का। और बचपन से जब धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा तब तो बड़ा होने के साथ साथ अब तो वो उनका दुराचारी भी बढ़ने लगा। अब छोटे छोटे बच्चों को क्या करते कि उठा उठा के कुआं में फेंक देते, किसी को हाथ पैर तोड़ देते तो किसी के हाथ आंखें फोड़ देते। ऐसे करके वो दुराचारी जब छोटा बच्चा था बच्चों के माँ बाप के डांट पर थोड़ा रुक जाते थे, लेकिन जब बड़ा हो गया भाई जब शरीर में ताकत हो गया तब तो उनको माँ बाप से भी अब नहीं डरने लगा। अब तो उनके माँ बाप भी अगर बोलने जाते तो उनके माँ बाप के भी वही हाल। ऐसा स्थिति कंस बनाने लगे तो पाप बढ़ने लगा। तो पाप बढ़ने के बाद एक दिन धरती माता गौ माता की वेश बना करके और फिर ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, ब्रह्मदेव अब ये कंस का बोझ सहन करने का हमारे अंदर ताकत नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी समझ सकता हूं तुम्हारा दुख, लेकिन समय अब निकट आने वाला है। जब तक समय नहीं आता तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक काम करिए, हम सब मिलकर के श्रीमद नारायण जी के पास चलिए। तो भगवान नारायण के पास सारे देवता और धरती माता सब मिलकर स्तुति करने गए। तो स्तुति विनती किस प्रकार धरती माता कहती है, अरे हाथ जोड़ी कहता जय हो जय हो। अरे तोहरी ओ चरनिया ये जगत की स्वामी जिया 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 कहते हैं ये जगत के स्वामी। अरे आप तो संसार के कण कण में अनु अनु में बास करने वाले हैं, आपसे भला क्या छिपा है। अरे हाथ जोड़ी कहो तानी जय हो जय हो। अरे तोहरी ओ चरनिया ये जगत के स्वामी। अरे सुनला अरजिया तनी मोर ये जगत के स्वामी।
हो जय हो। धरती माता कार्तिकेय स्वामी कंसा सुरा एक भैले बाल वनवा हे जगत के सुनिला अरजिया तानी ए जगत